सॉरी फॉर दैट बाय द वे. लेकिन आज हम आए हैं अतुल अंकल के जैम रूम कम स्टूडियो में. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ड्रम्स है व्हिच आई एम क्वाइट फैसिनेटेड ऑफ. तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ आई सिट ओवर हियर. एंड आज वील बी ऑफ कोर्स डूइंग ऑन द राइट मेथड टू प्रैक्टिस स्केल्स. लेकिन अभी हम उनके जैम रूम में हैं. सो वील जस्ट लुक अराउंड एंड वील हैव अ टॉक विद अतुल अंकल. यस by the way I will show these minor symbols and pearl vision. Yes, and Atul say hi. Hello, namaskar everybody. Thank you for joining us and thanks you. Atul sabse pehle to aapko kehna chahunga and sabse pehle hum log Atul ka ye jam room hai that we'll have a look at it. Yahan pe ek mixer hai, Yamaha mixer 16 okay. channel. We have Mackie speakers. Oh, wow, this is Mackie. We have some mics. Yeah, there are some mics as you can see. SM58. Mm. Yes. Standard. And so yahan kya guitar amp. Oh wow. So this is everything is here only. Sub TC Electronics bass amp. This is. Oh wow. A very good company, TC Electronics. This is Lanny, one of the best companies. And Pearl Vision drum kit. Okay. तो यहाँ पे कौन who does the practice? यहाँ पे बहुत लोग practice करने आते हैं, jam session करने आते हैं, concerts के लिए तैयारी करते हैं. okay. मेरे जितने concerts होते हैं वो सारे यहाँ पे हम लोग practice करते हैं उसकी. तो singers में कौन कौन आए मुझे? singers में मैं जिन जिन बड़े singers के साथ बजाता हूँ वो है रेखा भारद्वाज जी, हरिहरन जी, रूप कुमार राठौर जी और पेपॉन ओएमजी सब ओएमजी है. सब ओएमजी सब बड़े हैं सर. तो काफी लोग आते हैं, बड़े नहीं छू सारे स्ट्रगलिंग जो सिंगर्स हैं, मतलब अपकमिंग सिंगर्स हैं, वो लोग भी यहाँ आके बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं. और क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट का लेवल, कॉन्सर्ट का साउंड जो है यहाँ मिलता है. और वो प्रैक्टिस घर में तो ड्रम्स बजा नहीं सकते. Oh, wow. I can show people the ambience. ताकि ये है. yeah. और यहाँ पे किसी को अगर चाय वगैरह पीनी है तो. एंड वॉट आई लाइक द बेस्ट इज द ये जो हैंडल है वो कीबोर्ड जैसा लगता है. तो आप हैंडल को टच करें वैसे ही ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे गाँव बजेगा. सो इट्स रियली फन. By the way, बहुत लोग जुड़ चुके हैं जिसमें रैना लहरी जी है, धर्मेश दोषी है. राइट राइट कोई जगह चाहिए. राइट कोई अश्विन जी बोलते हैं राइट कोई जगह चाहिए प्रैक्टिस के लिए. ओके okay. जी हाँ, यहाँ बहुत लोग आइए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एनी टाइम यू एवरीबडी. किरण ठकरार इज वॉचिंग, हिमांशु परमार, प्रार्थना मेहता एंड मैनी 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 पीयूष. मैं ऐसे रैंडमली जो स्कैर. सो आई थिंक इट्स अ टाइम टू प्ले अ सिंबल एंड और इट्स टाइम टू स्टार्ट. या जो भी थोड़ा बहुत शेयर करना है आज हम लोगों ने जो सोचा है. या शुरू करते हैं. सो विल गो टू द स्टूडियो अपस्टेयर्स. क्वेश्चंस आर वेलकम. या यस. तो वरेणम जी आप पहले जाइए, आज मैं कैमरामैन हूँ. आप अतुल जी आप निकलिए. पहले आप और धर्मेश आ गए हैं हमारे कीबोर्ड प्लेयर. और हाय बोल दीजिए, लाइव चल रहा है, हाय बोल दीजिए, नमस्ते बोलो, नमस्ते. और हमारे साथ और भी कुछ गेस्ट है. सो वी आर अपस्टेयर्स एट द स्टूडियो जो जहां हमने पिछली बार शुरू किया था गणपति जी. एंड वी आर कमिंग बैक अगेन. यहाँ पे कौन है? Say hi and sing hi. Happy birthday for her. Oh yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है. Amazing. Second time बहुत अच्छा लग रहा है. पर ये coincidence हो गया कि आज आपका birthday है और हम लोग यहाँ live करने के लिए आए हैं. So it's इनके आशीर्वाद से ही सब है. क्या बात है? वो इनके आशीर्वाद से सब है. खुशी की बात है कि आज वो यहाँ है. वैसे वो रहते न्यूजीलैंड में.
ओ वाओ, मैं आपको मिला हूँ न्यूजीलैंड में, आशीर्वाद ले लें। वाओ बहुत अच्छा है। सो वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे एंड इट विल बी अ कंप्लीट, तो मैं आज तो ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करूंगा, सिर्फ कमेंट्स देखूंगा एंड यू अब आपके हाथ में है आपको व्हाट इज द सब्जेक्ट टुडे बाय द वे, इट्स अबाउट स्केल। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है स्केल्स प्रैक्टिस और उसकी मेथड्स जो है, जो मुझे इतने सालों से कहीं ना कहीं से मिली है, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ और मुझे बहुत यूजफुल हुआ है सारी प्रैक्टिस, तो हो सकता है कि आपको भी यूजफुल हो। Yes. और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, तो कभी मत पूछिए, नहीं पूछिएगा अगर हमको आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो हम सीखेंगे। हाँ, करेक्ट। और थोड़ा टाइम कम, अभी इसको हम अगर टेम्पो में बजाते हैं तो ओके, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड में 5 से शुरू करके 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रुकावट के लिए रवेद है। तो अभी पैटर्न नंबर 1 90 टेम्पो पे शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा बीट चल रहा है। ओके, अब एक बीट में 4 नोट्स बजाएंगे। बीट में 4 नोट्स, पहले एक हाथ से शुरू करेंगे। जैसा आपने देखा कि हर 4/4 डिवीजन के बाद थोड़ा एक्सेंट आता है, थोड़ा सा लाउड नोट बजता है, तो और वो रैंडम आता है, वो कोई एक पर्टिकुलर फिंगर पे नहीं आता है, बट ऑल 4/4 बीट्स पे एक एक्सेंट आता है। एक बार और 3 4। Okay. Right, left. Okay. ठीक है, तो ये अब ये this is our first method. दोनों हाथ से एक बार 3 4। यही मेथड से हम माइनर स्केल भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जैसा कि ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, वेस्टर्न थियरी में दो टाइप के माइनर्स है, एक है मेलोडिक माइनर, एक है हार्मोनिक माइनर। ओके, पहले हार्मोनिक माइनर देखेंगे, सी हार्मोनिक माइनर। ओके, ग कोमल, म प शुद्ध, ध कोमल, ओके, नी शुद्ध, सा, फिर से सी हार्मोनिक माइनर, यानी अपना किरवाणी किरवाणी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब हम 4 के डिवीजन में माइनर प्रैक्टिस करेंगे जी, 2 3 4। हाफ स्पीड में एक बार दिखाएंगे, इससे हाफ कम, थोड़ी कम करें क्या स्पीड, हाफ स्पीड क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बजा रहे हैं उनके लिए थोड़ा फास्ट हो, थोड़ा फास्ट हो रहा है। 70 करते हैं जी, 3 4।
without stopping. ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है. Okay. दो बार ट्वाइस दो बार बजाइए पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग या ज्यादा बार बजाइए. Hmm. जितना बार और स्लो से शुरू करें. हाँ. और फिर स्पीड बढ़ाए. ओके नाउ सेकंड मेलोडिक माइनर. ओके है ना. तो वैसे ही 12 के 12 स्केल प्रैक्टिस करना है. हाँ. और बहुत बार प्रैक्टिस करना है, एक दो बार नहीं, और एवरीडे प्रैक्टिस करना है. ओके ठीक है. हाँ. तो अब मैं जो मेन बताना चाहता था वो ये है कि ये 4 के ग्रुप्स में जैसा हमने प्रैक्टिस किया. हाँ. वैसा हम 3 के ग्रुप्स में कर सकते हैं. मतलब हर 3 नोट के बाद एक्सेंट, बट उसका डिवीजन 4 में ही जाएगा. ओके. मैं बजा के आपको दिखाता हूँ. 1 2 4 का है, बट एक्सेंट हर 3 पे है. अगर ट्रिपलेट्स नहीं है, ट्रिपलेट्स ऐसा होगा. ट्रिपलेट्स कैसा होगा? एक बीट में 3 नोट, बट दिस इज नॉट ट्रिपलेट्स. दिस इज एक 4 नोट्स इन 1 बीट, बट एक्सेंट इज ऑन एवरी 3rd बीट. ओके. इससे क्या, इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं इन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन में फ्रेजिंग को वेरिएशन दे सकते हैं. जैसे कि अगर कोई फ्रेज अगर हम बजाते हैं. हाँ. तो उसमें अलग अलग जगह पे एक्सेंट दे उससे सकते हैं. अरेंजमेंट्स में फर्क पड़ सकता है, राइट? उससे आपका, आपको जहाँ पे वजन देना है. ओके. तो फिंगर्स आपकी उस हिसाब से रेडी होती है. ट्रिपलेट्स बजाना हो, 5 बजाना हो आपको, 4 बजाना हो, 6 बजाना हो, 7 बजाना. यानी इसके बहुत सारे फायदे हैं. बहुत सारे फायदे हैं. आपका इंटरनल वो सिंकोपेशन का सेंस बढ़ता है, रिदमिक सेंस बढ़ता है. Okay. हर एक फिंगर का स्ट्रेंथ इक्वल हो जाता है. हम्म. नहीं तो ऐसा होता है कि ये 3 फिंगर, मतलब अभी आप त्रिलोक गुरुतु जी के साथ बजाते थे. हुँ. तो या बजाते हैं. हुँ. तो क्या होता था, मतलब ये सब चीजों का उससे फायदा होता था? बहुत बहुत फायदा होता था वो, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट है वो, और उनका इतना डिफिकल्ट होता था 7 का डिवीजन, 9 का डिवीजन. तो उसमें और जहाँ पे एक्सेंट चाहिए. हाँ. वहाँ पे एक्सेंट आना चाहिए, वो 7 का डिवीजन दिखना चाहिए. ओके. फॉर एग्जांपल ये 8 फिंगर है वो स्ट्रांग होना चाहिए. तो ये 3 का जो हमने बताया. हुँ. वो हम डी मेजर में, डी मेजर एंड माइनर में एक बार देखते हैं. ओके. Okay.
हार्मोनिक माइनर डी हार्मोनिक माइनर ओके 3-3 का डिवीजन में हमने स्केल बजाया बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इससे बहुत फायदा है ओके नेक्स्ट ऑगमेंटेड के बारे में 5 का देख लो ओह यस यस 5 का देख लो 3-4 हो गया 3 हो गया अभी 5 में या मैं दोनों हाथ की तरफ से भी दिखा लेता हूँ डिफरेंट एंगल से तो लोगों को आइडिया आ जाए Amazing. So, इसी तरह से 7 पे भी हो सकता है 9 पे भी हो सकता है मतलब odd 7 ये है कि साथ ही सुर है तो हर बार हर octave में एक एक वापस रिपीट होगा ओके 3-4-5 अगर किया तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो अब देखेंगे डिमिनिश्ड स्केल डिमिनिश्ड स्केल वन ऑफ माय फेवरेट स्केल्स और डिमिनिश्ड स्केल का यूज भी थोड़ा सा देखेंगे जी सी डिमिनिश्ड स्केल डिमिनिश्ड कॉर्ड सा गा तीव्र मध्यम ध शुद्ध डिमिनिश्ड कॉर्ड डिमिनिश्ड स्केल का स्केल है 1-2-3, 1-2-3, 1-2 सेम रिपीट दिस इज सी डिमिनिश्ड स्केल ओके में फिंगर का बंधन रखते हैं या नहीं रखते हैं फिक्स रखेंगे तो अच्छा है ओके एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है उसके लिए 3-2, 3-3, 3-3, 2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2 ओके इट बिकम सिंपलर कि जब आप अगर स्केल से आप वाकिफ हैं तो आपको फिर एप्लीकेशन सिंकोपेशन कॉर्ड्स हार्मनी नया एप्लीकेशन नया इम्प्रोवाइजेशन उसमें कहीं पे अटकते नहीं राइट वही है ना जो स्केल एकदम करेक्ट सो इट इज ऑलवेज बेटर टू फिक्स अ स्केल लाइक अ डिसिप्लिन करेक्ट 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 अगर कॉर्ड में जो स्केल मैच होता है हाँ जैज इम्प्रोवाइजेशन कॉर्ड्स के ऊपर होता है मतलब कि हाँ सॉरी मतलब कि जैसे लाइव शो में बहुत सारे टेंशन होते हैं चार्ट दिखाई नहीं देता है कई बार
सिंगर एक लाइन दो बार गा लेते हैं या उस तरह, और उसमें अगर अपनी फिंगरिंग फिक्स ना हो तो फिर फिंगरिंग फिसल गई तो पूरा बिल आएगा अपने पे. करेक्ट करेक्ट. कि शो इसकी वजह से अच्छा नहीं हो. अच्छा ओके यस व्हाट नेक्स्ट सर. व्हाट नेक्स्ट. डिमिनिश स्केल क्लियर है. दूसरे डिमिनिश स्केल. हाँ सी शार्प. सी शार्प डिमिनिश स्केल. Okay. In divisions of 3, 4 and 5. Yes. तो question जब आप कहेंगे तब हम. हाँ लीजिए ना questions. Okay, so I would request to. आपको मालूम पड़ेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ. बताते रहेंगे तो बहुत अच्छा है. एक मिनट मैं इस तरफ करता हूँ. I would request किसी को अगर questions हैं please so we can. मैंने बोला कोई किसने क्वेश्चन पूछ लिया. ओके ओके इन द मीन टाइम जब तक क्वेश्चंस टाइप होते हैं तब तक नेक्स्ट. हाँ चलो अभी ये, अच्छा हाँ एक बात मैं बताना चाहता था कि डिमिनिश स्केल का जो यूज है हाँ. वो सेवेंथ कॉर्ड के ऊपर होता है. ओके वेरी गुड. तो बट सेवेंथ सी सेवेंथ है तो सी सेवेंथ में सी शार्प डिमिनिश स्केल यूज होता है. सी सेवन में सी शार्प में सी शार्प डिमिनिश स्केल. क्या बात है. अभी ये मुझे नहीं पता था. सी सेवन का फ्लैट एंड नाइन्थ रेज नाइन्थ अकॉर्डिंग टू सी. सी सेवन रूट इज ऑफ सी. फ्लैट नाइन्थ रेज नाइन्थ थर्ड फ्लैट फाइव फिफ्थ थर्टींथ सेवेंथ. वाओ सी. वाओ. So for example, अगर G minor, C seventh, F major, okay, yes, ये तीन कॉर्ड है 2-5-1 of F major, F major का 2, G minor, C seventh 5, okay, और ये, तो सेवेंथ पे हमने डिमिनिश यूज किया. वाओ अगेन. ओ माय गॉड. आरपेजियो यूज किया. सी शार्प डिमिनिश. वाओ. तो सी सेवेंथ पे फील आ रहा है. व्हाट अ फ्लेवर. तो ये बहुत यूजफुल स्केल है. मेरा फेवरेट स्केल है. यानी हम लोग जो डिमिनिश को अंदाजन ही बजाया करते थे उसका एक प्रिसाइज स्वरूप है कि इसको हम
if we use in a one note higher, one semitone note, higher, one semitone higher, yes, then it has a very beautiful improvisational asset. Kya baat hai, wow. Iska agar chord bhi le to correct. चेतन खुश हो गए, चेतन उपाध्याय वाव, इतना लंबा वाव किया है उन्होंने. आई वुड ऑल्सो से थोड़ा सा बजा लीजिए, इस पे बहुत मजा आ रहा है. इट्स रियली अमेजिंग. जैज इम्प्रोवाइजेशन है, कोई भी चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो, तो वेरिएशंस कितने आ सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल तो सेम है लेकिन हर टाइम आप उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन दें. हाँ. तो ये उसका की है कि हर टाइम कुछ ना कुछ नया नया नई सोच हो उस इम्प्रोवाइजेशन में, कुछ wow. नया हमने सोच के बजाया है. तो दिस इज अमेजिंग. बट तो हम कभी कभी सी सेवेंथ पे सी सेवेंथ बजाएंगे. हाँ. और कभी सी शार्प डिमिनिश बजाएंगे. wow. सब क्लैप्स आने लगे. बहुत सब सतीश निवासकर और बहुत लोग दे आर अप्रिशिएटिंग. थैंक यू एवरीबॉडी. एंड इट्स द थिंग व्हिच वी हैव रेयरली हर्ड. एंड सबके सरप्राइजेस आ रहे हैं. नो वंडर अतुल, क्या बात है, बहुत मजा आया. थैंक यू थैंक यू. आगे आगे कहानी में क्या मोड ले रही है कहानी. कहानी में नया क्या है आगे आगे. ऑगमेंटेड स्केल पार्थ सेज, पार्थ ठक्कर सेज, वाह ऑसम सुपर. प्रार्थना मेहता सेज सुपर. Nirav is watching your wow. Everyone is like, they like it. Jee, sorry. So back to practice. Yes. Yes. Augmented skill. Augmented skill. C augmented yeah. chord. Everybody knows, I think. Yeah. Scale. Plus two. C augmented scale. इसमें मेहदी हसन खान साहब की बहुत अच्छी गजल है. मुझे याद तो नहीं आ रही है कौन सी थी. मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि हाँ? मैं नहीं गा सकता. कौन सी क्या थी. बट उसका होल टोन स्केल बोलते हैं इसको. आई थिंक यूट्यूब पे शायद मिलना चाहिए होल टोन स्केल की. बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी. पूरा ये हाँ वो अक्सर चारुकेशी में मध्यम तीव्र लेके करते हैं वो. उनका मैंने इम्प्रोवाइजेशन में देखा है. अतुल रॉक्स मोजावी किरण. वाओ राइट. तो ये हो गया सी ऑगमेंटेड स्केल. फिंगरिंग 1 2 1 2 3 4. ओके 1 2 1 2 3 4. ओके 4 3 2 1 2 1 4 3 2 1 2 1. तो Three.
पास सी शार्प